हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी टेक एंड ट्रैवल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं एक ऐसी डिवाइस लेकर आया हूं जो हम लोगों के लिए ट्रैवल में तो हमारे साथ होना बहुत ही जरूरी है। जो मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल का शौक रखते हैं और इधर उधर कहीं पे भी आसपास ट्रैवल करते रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं अपनी और खास तौर से अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो गाइस उनके लिए तो ये डिवाइस मस्ट है। उनको ये अपने पास रखनी ही चाहिए क्योंकि ट्रैवल में अपनी गाड़ी को सेफ रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ गाइस, जिस डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वो एक एंटी थेफ्ट कार डिवाइस है और वो हम लोगों के पास जरूर होनी चाहिए बिकॉज वो हमारे डे टू डे यूज में तो आएगी ही आएगी और खास तौर से इतना पोर्टेबल प्रोडक्ट है कि कहीं हम अगर बाहर जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को अपने साथ जरूर रखेंगे, अपने कहीं पे भी ट्रैवल में जाते हैं कुछ भी करते हैं, ताकि हम अपनी कार को उस जगह पे एक अनजान जगह पे सेफ रख सकें। तो मैंने ये प्रोडक्ट गाइस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट से मंगा लिया है और ये मेरे पास आ चुका है। तो आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या मिला है फ्लिपकार्ट की साइट से और हमको ये प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है, इसका यूजेज कैसा है और किस तरीके से हमें फील देता है और क्या ये सच में काम का है कि नहीं, क्या ये गाड़ी को सेफ रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं। जब तक मैं इसको ओपन कर रहा हूँ गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फ्लिपकार्ट में मैंने ऑर्डर किया। मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट में एक एंटी थेफ्ट डिवाइस अवेलेबल है क्योंकि मैं कभी रिसेंट में अपना ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, हालांकि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, बट मैंने जो ट्रैवल प्लान किया है यार, ये इसकी बुकिंग्स वगैरह मिलती नहीं है तो बड़ी मुश्किल से कुछ मिल पाया है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो मेरे को बुकिंग्स मिल पाई हैं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरी सेफ्टी रखते हुए जाऊंगा, तो इसीलिए मेरे को ये डिवाइस की ज़रूरत भी है। सो गाइज, ये है एक, अगर मैं इसको बताऊं, आप इसको पैड लॉक बोल सकते हैं या फिर कार लॉक बोल सकते हैं। ये एक एंटी थेफ्ट कार मैकेनिज्म है जिससे आप कार के व्हील को लॉक कर देते हैं ताकि गाड़ी अपनी जगह से आगे ना बढ़ पाए। तो दिखने में तो ऐसा है, एक बढ़िया से पैकेज में आया है। इसी तरीके के काफ़ी सारे चीप प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जो इसी तरीके के मतलब पैड लॉक होते हैं या फिर कार लॉक होते हैं, दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों वो हमें नहीं लेने चाहिए और क्यों एक ढंग का लॉक लेना चाहिए, मैं भी आपको इसको ओपन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। आप भी उन चीज़ों को ध्यान रखिए लेते टाइम और सस्ते के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा अपनी कार की सेफ्टी के साथ। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये स्टॉन्च कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि एक पैड लॉक है, व्हील के साथ अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे व्हील जो है अपनी जगह पे जाम हो जाता है, लॉक हो जाता है और गाड़ी उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ती है। तो ये हमें इस कंपनी की साइड से मिलता है जो कि किसी भी तरीके के व्हीकल में लग सकता है, चाहे वो अलॉय व्हील हो, नॉन अलॉय व्हील हो, आप उसमें लगा सकते हैं। इसके साथ इसकी दो कीज़ मिलती हैं जो कि इसके अंदर ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में, ये यहाँ पे इसकी कीज़ अवेलेबल हैं, ये पड़ी हुई हैं इसके अंदर जो कि इसकी यूनिक कीज़ होती हैं। मैं इन कीज़ को ज़रूर टेस्ट करूँगा किसी और व्हीकल में भी लगा के, जो मेरे फ्रेंड्स के पास ऐसा एक लॉक है उसके अंदर, कि ये सच में यूनिक होती हैं कि बस एक कहने के लिए कंपनीज कहती हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हैवी ड्यूटी लग ही रहा है, काफ़ी हैवी भी है, मैं इसको उठा के देख ही सकता हूँ। तो आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, इसमें ये दो क्लॉज रहते हैं यहाँ पे जो कि व्हील में अटैच हो जाते हैं और ये यहाँ पे इसका एक लॉक दिया हुआ है जिसको आप कवर भी कर सकते हैं, इसका एक कवर है ताकि पानी वानी ना जाए। तो आई थिंक दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम द कंपनी। और बाकी ये इसका यूनिक कॉम्बिनेशन वाला एक लॉक है, तो आप जब इसमें की लगाएंगे तो आप ये लगा के इसको ओपन कर सकते हैं और जहाँ पे आपको सेट करना है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप के कार के, ये एक यूनिक लॉक है जो कि डिफरेंट टाइप की कार या ट्रक या किसी भी तरीके के टायर में लग सकता है। तो जब आप इसको टायर में लेके जाते हैं, विड्थ अपने कार के टायर के बेसिस पर डिसाइड आइडेंटिफाई करके आप इसको लॉक करके, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से अपनी जगह पे फिक्स हो गया, अब ये यहाँ से निकल नहीं सकता जब तक आप इसमें सेम ये कॉम्बिनेशन वाले की नहीं लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल सी की है इसमें क्या कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट तरीके के कट्स अवेलेबल हैं इसके एजेस
पे, तो जब तक ये मैच नहीं होंगे तब तक ये कि अपनी जगह से इस लॉक को खोलेगी नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आई थिंक ओवरऑल यही मिलता है हमको इस कंपनी की साइड से। और अगर आप पीछे देखें तो भी सिंपल है, यहाँ पे पकड़ने के लिए हमें ग्रिपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पकड़ने के लिए हमें ग्रिपर दिया हुआ है ताकि हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पकड़ सकें। बाकी आगे भी यहाँ पे ये रबर की पैडिंग है ताकि आपकी गाड़ी के टायर को कोई, या अगर अलॉय है तो उसको कोई डैमेज ना हो। ओके सो गाइस, इसको फटाफट लगा के देखते हैं गाड़ी के टायर में कैसा लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, सही आ रहा है कि नहीं। मैंने इसको खोल लिया, ओपन कर लिया। इसको लगाने के लिए बस इसको गाड़ी के टायर में आप ऐसे लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे पास में ले जाके ये देखिए अब ये लग गया है। ये निकलेगा नहीं, कोई कितना भी खींच ले, कितनी भी कोशिश कर ले, तो इससे एटलीस्ट हमारी गाड़ी जो है सेफ रहेगी। अब ये अपनी जगह पड़ गया, गाड़ी का टायर चल नहीं सकता अब इसको बिना तोड़े। तो ये है इसका मैकेनिज्म और काफ़ी स्टर्डी है, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको बता रहा था इसी टाइप के कुछ सस्ते प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो इतने हैवी ड्यूटी में होते, काफ़ी हैवी है गाइस, कम से कम कुछ नहीं तो 3.5-4 किलो का तो ये प्रोडक्ट हो गया ही होगा। तो जो इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं आप उनसे बचें और एक ढंग का प्रोडक्ट चूज़ करें अपनी कार की सेफ्टी के लिए। उस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के डिफरेंस में लुक एंड फील तो सेम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ पहली चीज़ तो वो हैवी ड्यूटी नहीं होंगे। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसके ये जो रेड कलर की जो इसके टायर क्लॉ के ऊपर जो ये रबरिंग करी हुई है, जो रबर कोटिंग करी हुई है, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि आपके कार के टायर के अलॉयस के साथ टकरा के उसकी शाइन को डैमेज ना करे, या फिर आपके कार के किसी दूसरे कंपोनेंट पे या किसी भी एरिया पर टकरा के उसको डैमेज ना करे, तो ये होना बहुत जरूरी है। उन चीज प्रोडक्ट्स में नहीं होता, वो येलो कोटेड होते हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, या फिर उनमें रेड कलर का ऐसे पेंट कर दिया जाता है दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पकड़ने के लिए भी यहाँ पे एक रबर की ग्रिप दी हुई है जो कि काफ़ी हैंडी है और ये स्लिप नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ से पकड़ूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ से, क्योंकि पेंटेड है पूरा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें ये सब चीज़ें परचेज करते टाइम, और मार्केट में जो ढंग का प्रोडक्ट है उसी को परचेज करें। और लॉक के अंदर यहाँ पे कवर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है ताकि पानी नहीं जाए इसके अंदर। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लॉक जैसे ही हमने ओपन करा तो ये जो है, जैसे ही हमने इसका लॉक ओपन कर दिया तो ये निकल जाएगा। और जैसे ही मैं इसका लॉक कवर करता हूँ तो बेसिकली काम कैसे करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं। जैसे हम लॉक को अंदर पुश करते हैं तो यहाँ पे एक पिन अंदर, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक पिन है जो बाहर निकलती है और इस लॉक में जाके फिट हो जाती है, जिससे लॉक जो है अपनी जगह पे जाके सीज हो जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को मैच करने के लिए दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो आप जैसे अपने टायर के गाड़ी के टायर के अकॉर्डिंग इसको मैच करके इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, बस ये लॉक हो गया और ये फिट रहेगा जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं। तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट है, इससे मैं यही कह सकता हूँ कि आप एक टेंशन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज आपकी गाड़ी कहीं अगर खड़ी है तो आपके माइंड में, अगर ये कॉर्नर ऑफ द माइंड में रहता है तो एटलीस्ट इससे कुछ तो आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरी गाड़ी पर कुछ तो लगा है जो इतनी ईजिली नहीं निकलेगा। और कोशिश करें गाइस कि थोड़ा सा पॉपुलेटेड एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करें, कभी भी सुनसान एरिया में पार्क ना करें, ताकि कोई अगर इन सब चीज़ों को डैमेज भी करना चाहे तो इतनी आसानी से कर नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं, ऐसे टूटते नहीं हैं ये। इनको मैं कितनी भी खींचने की, कितनी भी ताकत लगाऊंगा खींचने की कोशिश करूंगा, तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये हैवी ड्यूटी है, ये टूटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर यूज़ करें ऐसे प्रोडक्ट्स को, अपनी डेली बेसिस पे भी यूज़ होगा ही होगा, और ट्रैवल टाइप के अगर आप कोई कहीं पर जा रहे हैं आ रहे हैं तो ज़रूर यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।